ओके गाइस, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पिलग्रिम की डे एंड नाइट क्रीम के बारे में। तो ये दोनों क्रीम्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑलमोस्ट मैं इसको 15 डेज हो गया मुझे यूज़ करते हुए, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। स्टार्टिंग में काफ़ी सारे कॉन्स लग रहे थे, देन इसको जैसे जैसे मैंने यूज़ करना शुरू किया देन आई रियलाइज कि कितनी अच्छी क्रीम है ये। मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए, पिलग्रिम जो है वो कोरियन, यू नो, कोरियन इंस्पायर्ड इसके प्रोडक्ट्स हैं। कोरियन स्किन केयर में जो प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ पे एक ये जो कोरियन लाइन है इसको लॉन्च किया है। तो ये वाली जो क्रीम है दैट इज़ कोरियन इंस्पायर्ड। और अगर मैं सबसे पहले डे क्रीम के बारे में बात करूँ, पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड कोरिया व्हाइट लोटस क्रीम SPF 50 विथ कैमेमिला एंड युगडुगू। युगडुगू करके एक इनका इंग्रेडिएंट है जो कि इनके ज़्यादातर जो क्रीम्स हैं उसमें है, अगेन जो कोरिया वाली क्रीम्स हैं इनकी उसमें है। ओके, तो युगडुगू कुछ नहीं है, युगडुगू नटमेग है जिसको जायफल कहते हैं। युगडुगू उसका कोरियन वर्जन है। तो जायफल का तो पता है, जायफल आपके एक्चुअली बेसिकली आपके अगर कोई भी एक्टिव एक्ने है उसको ड्राई करने में काफ़ी हेल्प करता है, मतलब उसको इनएक्टिव कर देता है और उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आपके चेहरे पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी स्किन, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी अपनी स्किन लगती है, तो उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली युगडुगू कुछ नहीं है, युगडुगू कोरियन वर्जन है। जैसे नटमेग को हम हिंदी में जायफल कहते हैं, ऐसी नटमेग को कोरिया में युगडुगू कहते हैं। तो इट इज़ प्रिटी सिंपल। तो यस, इसमें बहुत ही अच्छा और यू नो बहुत ही सही इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जनरली युगडुगू मुझे याद है कि पुराने टाइम पे, या मतलब मैं कहूँ मेरी दादी के टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा DIYs में यूज़ किया जाता था जब भी एक्ने का बात होता था, क्योंकि मुझे याद है युगडुगू को पत्थर पे घिस के लगा लेते थे। और नीम को भी इसी तरह से, नीम की छाल बेसिकली जो होती थी, नीम की छाल बोलते, जब भी आप लकड़ी का जो पीस थोड़ा सा निकाल लेते हैं उसके तने से, उसको घिस के भी फेस पे लगाते थे। वो भी जो है मतलब बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली आपके एक्ने को कंट्रोल करता था। तो वो इंग्रेडिएंट इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर मैं बात करूँ इसके क्या क्या मतलब यू नो जो इन्होंने मेंशन किए, हाईलाइट किए, दैट इज 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री, विच मींस कि इन्होंने किसी भी तरीके की टेस्टिंग या कोई भी प्रोडक्ट इनका जो है वो एनिमल से नहीं आया है, एनिमल क्रुएलिटी फ्री है ये। पैराबेन नो सल्फेट, दैट इज वेरी गुड। नो टॉक्सिक, 20 केमिकल्स, 100% सेफ। 20 तरीके के टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनसे ये सेफ है, FDA अप्रूव है, विच इज वेरी गुड। तो इसमें जो है सल्फेट, पैराबेन, मिनरल ऑयल वगैरह नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपने फेस पे, अपने बालों पे कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो ट्राई कि आप सल्फेट, पैराबेन और मिनरल ऑयल से बच के रहें। हालांकि बहुत सारे शैम्पूस में जो है सल्फेट ज़रूर आते हैं, लेकिन ट्राई टू अवॉइड देम। तो अब मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, क्योंकि बॉक्स पे तो क्या लिखा है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, और जब आप परचेस करेंगे अगर इसको तो आपको वहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्टली जिस दिन मैंने इसको नाइट डे क्रीम को यूज़ किया, उस दिन क्या हुआ कि मैंने जैसे इसको लगाया तो थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ रहा था। तो मुझे लगा कि यार वाइट कास्ट छोड़ रहा, मुझे वाइट कास्ट वाली क्रीम बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, इसीलिए मैं सनस्क्रीन, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती जो सनस्क्रीन जो है वो मार्केट में जो हम सबसे ज़्यादा लगाते हैं, मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, वो हमेशा वाइट कास्ट छोड़ती है अगर आप SPF 30 से ऊपर लेते हैं तो। और SPF 30 से नीचे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं है उस SPF का, सनब्लॉक का। तो ये इश्यू मेरे साथ होता था। और अगर आप वाइट कास्ट फ्री सनस्क्रीन लेते हैं तो जनरली वो 1400-1000 ऐसा काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, और मैं जनरली बाहर नहीं जाती तो मैं थोड़ा सा यू नो बचती हूँ इतना एक्सपेंसिव उससे लेने से, तो मैं जनरली वो लगा लेती थी। फिर उसके बाद में मैंने ओले की क्रीम और एक दो क्रीम और यूज़ की थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया था, बट उनमें SPF जो है वो 30 या 25, एक में तो 15 भी था, तो उसका कोई सेंस नहीं होता। इसमें SPF 50 है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंडिया में जो गर्मी पड़ती है उसमें मिनिमम SPF 50 ज़रूर होना चाहिए। वैसे कुछ लोग SPF 30 बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगी SPF 50 से नीचे तो बिल्कुल भी मत बात करिएगा, उससे आजकल ऊपर बल्कि आ रही है, SPF 70 तक भी क्रीम आ रही है। तो जस्ट ट्राई कि आप मिनिमम SPF 50 लें। तो SPF 50 है वो मेरे लिए अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा पहली बार में कि वाइट कास्ट छोड़ रहा था, जो कि मुझे काफ़ी कंसर्निंग लग रहा था, क्योंकि ये क्रीम भी बहुत सस्ती नहीं थी और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थी, मिड रेंज में थी, 550 रुपये के अराउंड थी। अमेजोन से मैंने परचेस की थी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फिर उसके बाद में मैंने अगले दिन लगाया,
और स्क्रीन को लगाने के बाद स्वेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे कि जनरली सनस्क्रीन को लगाने के बाद में होता है। लेकिन एक बार अगर आपने क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, जो कि यू नो इट विल टेक सम टाइम, लाइक 1 मिनट और 1.5 मिनट यू हैव टू यू नो रब इट इन योर फेस। और एक बार जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद में आपको कोई भी वाइट कास्ट कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आपको स्वेटिंग आएगा, एक बार स्वेटिंग ज़रूर आएगा, लेकिन उसके बाद में जो है वो बिल्कुल यू नो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि लाइट वेटेड क्रीम है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आफ्टर 2 to 3 डेज मैं जब इसको एप्लीकेशन अच्छे से समझ पाई, उसके बाद में ये क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। जनरली मेरे साथ क्या होता है, मैं कितनी भी एक्सपेंसिव क्रीम मंगा लूँ, अगर मुझे वो नहीं अच्छी लगती है तो मैं उसको लगाना भी भूल जाती हूँ। लेकिन जब से ये क्रीम आई है, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। पहले 3 दिन तो क्योंकि मुझे ट्राई करना था तो मैंने फोर्स करके अपने आप को लगाया, लेकिन 4th डे से मैंने एक भी दिन ये क्रीम मिस नहीं किया। और मुझे याद नहीं करना पड़ता, मुझे ऑटोमेटिकली याद आ जाता है कि चलो डे क्रीम लगाने का टाइम हो गया है। तो जो डे क्रीम है दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट क्रीम। नाइट क्रीम जो है इनकी, उसमें रेटिनॉल मिला हुआ है, जो कि आपके लेट 20s अर्ली 30s से आपको शुरू कर देना चाहिए। अब रेटिनॉल होता क्या है? रेटिनॉल जो होता है वो एक तरीके का बहुत ही एक्टिव सब्सटेंस है, जो कि आपके फाइन लाइन से जितने भी एजिंग के साइंस आपको देखने को मिलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइन, इन सबको कम करने में आपकी काफ़ी मदद करता है, आपकी स्किन को टाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन रेटिनॉल जो होता है, कुछ लोग जो है वो फेस ऑयल के रूप में उसको नहीं लगा पाते, क्योंकि रेटिनॉल एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, तो कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाती है। तो इसीलिए जनरली लोग जो रेटिनॉल है उसको किसी क्रीम में मिला के यूज़ करना पसंद करते हैं। जैसे मेरी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी मैं रेटिनॉल कम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बर्दाश्त कर पाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इवन मैं रेटिनॉल का फेस ऑयल लगाती भी हूँ, तो मैंने उसका भी आपको जो रिव्यू है वो शेयर किया है, अगेन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो इन्होंने रेटिनॉल का जो नाइट क्रीम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी थी, और उसका जो क्या बोलते हैं कलर जो है वो थोड़ा सा फाउंडेशन जैसा लग रहा है, लेकिन जो क्रीम है वो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी पतले। जनरली नाइट क्रीम जो है वो थिक होती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है वैसे थिक क्रीम होने में, लेकिन अगर आपको वही सारे प्रॉपर्टीज़ एक लाइट क्रीम में मिलेंगे तो आप डेफिनेटली एक हल्की क्रीम, एक लाइट क्रीम प्रेफर ज़्यादा करेंगे। तो आई रियली अगेन लाइक्ड इट्स नाइट क्रीम। और अगेन ये दोनों ही क्रीम ना आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई बनाती हैं। तो अगर आपकी यू नो मैं जनरली मेकअप वेयर करना इतना पसंद नहीं करती हूँ, जनरली सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ के लिए ही मैं मेकअप वेयर करती हूँ, वो भी इसलिए भी कि मुझे कैमरे की सेटिंग नहीं पता है, और इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल और अजीब सा फेस दिखता है, वो भी इसलिए मैं लगाती हूँ। अदरवाइज मैं डे टू डे बेसिस पे या इवन मैं कोई पार्टी में भी जा रही हूँ ना, तो भी मैं सिर्फ एक आईलाइनर लगाती हूँ, समटाइम्स लिपस्टिक लगाती हूँ, दैट्स इट, मैं कोई मेकअप वेयर नहीं करती हूँ। तो अगर मैं इस तरीके की क्रीम लगाती हूँ जो कि मेरे फेस को काफ़ी ग्लो बना देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे सूरत वाले ब्लॉग जाके देखिएगा, मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, वहाँ पे अगेन मैंने कोई मेकअप जो है वो नहीं अप्लाई किया है, और आप खुद ही मतलब देख लेना कि उसमें मेरा कितना ग्लो आ रहा है। जनरली मेरे कैमरे में मेरी फ़ोटोज़ बड़ी बेकार आती हैं, वीडियोज़ नहीं अच्छी आती हैं, तो आप एक बार उसको जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ग्लोई बना देती है। और मैंने इन दोनों ही क्रीम्स को सूरत में ही यू नो यूज़ करना शुरू किया था। बेसिकली सूरत जिस दिन हम जा रहे थे उससे एक रात पहले ही मैंने शुरू किया था, तो आप मेरे मतलब 2-3 दिन के ही एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा मेरे फेस पे ग्लो आ रहा था। इवन मेरे जो हस्बैंड है वो जनरली कॉम्प्लीमेंट देना पसंद नहीं करते, मतलब आदत नहीं है उनको, लेकिन उस दिन वो भी नोटिस कर रहे थे कि क्या तुम मेकअप करके आई हो, बहुत ज़्यादा फेस ग्लो कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो मेकअप लेकर के भी नहीं आई हूँ, और ये सिर्फ पिलग्रिम की क्रीम का कमाल है। तो अगर आप भी इस तरीके की ग्लो, नेचुरल ग्लो चाहते हैं अपने फेस पे, तो डेफिनेटली आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कहीं तो सुना था, कुछ लोग बोल रहे थे कि पिलग्रिम की जो डे क्रीम है वो फाउंडेशन जैसा काम करती है, आपको मीडियम कवरेज की देती है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मीडियम कवरेज की तरफ जाएंगे तो आपको वाइट कास्ट देखना पड़ेगा, जो कि बहुत अगली लगता है। तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, जिससे कि कोई भी वाइट कास्ट नहीं रहे, लेकिन बस ये कि आपको कोई भी कवरेज नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी क्रीम से एक कवरेज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो आप एक रॉन्ग प्रोडक्ट चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि क्रीम्स जो होती हैं उनका पर्पस कभी भी कवरेज के लिए नहीं होता है, उनका पर्पस होता है आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को हाइड्रेट नरिशमेंट पहुंचाने का। और अगर SPF है
तो आपके फेस से जो यूवी रेज उनको ब्लॉक करने का या रिफ्लेक्ट करने का, इट डिपेंड्स ऑन सनब्लॉक है या सनस्क्रीन है। तो ये काम होता है क्रीम का, जो कि ये क्रीम अच्छे से करती है दोनों। तो आई हाईली 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 रिकमेंडेड, इफ यू वॉन्ट टू बाय इट, Amazon का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो डू चेक इट आउट। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।